मिस लपीते के पपीते काफी उछल रहे थे, जिन्हें देखकर रोजर का छोटा चेतन बाहर निकलने के लिए बेताब हुए जा रहा था। मिस लपीते भी रोजर की भावनाओं को समझ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और ऐसे ही पपीतों का नजारा लेते हुए रोजर अपने घर पहुंचता है, लेकिन तभी उसे बाहर कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है और बाहर देखने पर उसकी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि घर की ही एक मेड जिसका नाम हेलेन है एक दरवाजे के सामने झुकी हुई है और कोई हवस का पुजारी खड़े खड़े ही पीछे से उसका तबला बजा रहा होता है। क्विकली ऐसा करने के बाद हेलेन अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वहां से चली जाती है और रोजर किसी तरह अपने छोटन को संभालते हुए वापस अपने बेड पर आ जाता है। तभी उसे वहां पर बर्था दिखाई देती है जो